समर्थन मूल्य नहीं दिलवा सकते तो अनाज के रेट सरकार तय क्यों नहीं करती। अपने छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान ग्राम तीवगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुझे चिंता है कि मेरा छिंदवाड़ा और पांडुना विकास कैसे करे। उन्होंने लक्ष्मी होटल लॉन में क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि अपनी स्थिति में सुधार कर लें, क्योंकि जिसका जैसा प्रदर्शन वह वैसी ही उम्मीद रखे। सरकार मानती नहीं, 20% खरीदी समर्थन मूल्य में होती है, तो किस बात का आप समर्थन मूल्य घोषित करते हैं? क्यों करते हैं जब आपको उसमें खरीदी नहीं करनी तो समर्थन मूल्य क्यों घोषित करते हैं? रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ द्वारा सौसर के शगुनलान में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसके पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पर दोनों नेताओं का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार, आज का युवा कोई ठेका या कमीशन लेने के लिए नहीं बल्कि हाथों को काम की मांग करता है। कांग्रेस ने देश की संस्कृति को बचाए रखने को कहा। हमें फक्र होना चाहिए कि हम एक संस्कारवान पार्टी के लोग हैं। हमारा किसान जिसका जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है, हमने कर्जा माफ शुरू किया। पहली नंबर केवल डिपॉजिट चालू खाते थे, किस्तों में शुरू किया, किस्तों का कर्जा माफ हुआ, 26 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ हुआ। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग सौसर कुमार सत्यम के नेतृत्व में खनिज और राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से तहसील सौसर अंतर्गत क्षेत्रों का शनिवार रविवार की दरमियानी रात आकस्मिक निरीक्षण करते हुए दर्जन भर डंपरों को अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने बताया कि जांच के दौरान ग्राम साईखेड़ा और लोदीखेड़ा रोड पर खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए 11 और कोयला का अवैध परिवहन करते हुए एक वाहन को जब्त किया गया। सभी वाहनों को जब्त कर थाना लोदीखेड़ा और रेमंड चौकी के अभिरक्षा में रखा गया। अखिल भारतीय मानवाधिकार संगठन भारत शाखा छिंदवाड़ा के प्रदेश सचिव अनीता तिवारी, जिलाध्यक्ष तृप्ति सिंह ठाकुर, प्राचार्य ए एच खान, किरण धुर्वे सरपंच, मुन्ना अब्दुल कलाम अंसारी उपसरपंच रामाकोना की उपस्थिति में सामाजिक कार्यकर्ता दिनकर पातुरकर के संचालन में रक्तदान शिविर किया गया। शासकीय माध्यमिक विद्यालय रामाकोना में आयोजित रक्तदान शिविर में आज 27 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। पांडुना में बाजार से सड़कों में खड़े वाहनों को हटाकर थाने ले जाने के मामले में विवाद की स्थिति बन गई। व्यापारियों ने पुलिस पर वाहन हटाने के मामले में मारपीट का आरोप लगाया। वहीं पुलिस विभाग ने भी उन पर हाथ उठाने की बात कही। इस बात को लेकर व्यापारी एकजुट होकर थाने पहुंचे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। हालांकि देर रात मामले का पटाक्षेप तब हो गया जब SDM और SDOP थाने पहुंचकर समझौता करवाए। एक मिनट, एक एक करके बोलो। हाँ, एक बिल्कुल सही। आपने एक एक करके बोला, नहीं है। पुलिस का सबूत नहीं चलेगा।